अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक नेटवर्क में रह के हम आपस में फाइल शेयरिंग कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ओपन करूंगा गूगल क्रोम और इसमें मैं लिखूंगा google.com। इसमें एक सॉफ्टवेयर है YAK सॉफ्टवेयर, इस पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूंगा। ये देखें, ये है द लैन मैसेंजर, यानी के लैन नेटवर्क के ऊपर आप जो है मैसेजिंग कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं। तो डाउनलोड करूंगा मैं इसको, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, साइड वन साइड टू है, इस पे क्लिक करूंगा और यैक को जो है हम हमारे पास डाउनलोड हो गया है और इसको हम इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम पेंटियम वर्जन होना चाहिए आपके पास, 100 MHz और अबव होना चाहिए, 16 MB रैम और मोर होनी चाहिए, 2 MB फ्री डिस्क स्पेस होनी चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95/98 ME NT4 2000 XP और 2023 और इससे ऊपर लेटेस्ट वर्जन के लिए चलेगा। इसके अलावा इसमें नेटवर्क अडाप्टर होना चाहिए, TCP प्रोटोकॉल जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए आपके लैन कार्ड पे। तो बेसिकली ये जो डिटेल्स ये हमें बता रहा है, ये सारी डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी हमारे नेटवर्क पे मौजूद होती हैं और ये 20 यूज़र के लिए फ्री होता है, इस पर नेवर एक्सपायरी होती है। बाकी अगर आपका नेटवर्क बड़ा है तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। ये देखें, 2 से 5 यूज़र के लिए 6.50 है पर यूनिट की प्राइस है, 100 और मोर यूज़र के लिए $4 पर यूनिट की प्राइस है, लेकिन ये हम यूज़ करेंगे एज अ फ्री। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद डाउनलोड किया, इस पर हमने क्लिक किया, नेक्स्ट किया, हम लिसेंस को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, सी में या किसी भी जगह पे रख सकते हैं आप, 2 MB मैक्सिमम ये स्पेस लेगा, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा और ये हमारा यैक जो है वो इंस्टॉल हो गया है। यैक इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ये हमारे पास यैक आ गया है, इसको हम रन करेंगे। ये देखें, ये सिस्टम मेरा थोड़ा सा स्लो है और इंस्टॉलेशन बैक साइड पे हो रही है इसकी, तो इसमें ये रिक्वायरमेंट आ गई। इसमें यह हमें कह रहा है कि आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है सिस्टम वर्क ग्रुप, उसकी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं या आप डोमेन नेम जो है वो ऐड कर दें। तो मैं इसमें डोमेन नेम ऐड करूंगा, डोमेन नेम नेटवर्क जो मेरे का है वो मेरे वाईफाई का है। तो मैं इधर आता हूँ, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ओपन करता हूँ, ईथरनेट पे क्लिक करता हूँ, चेंज अडाप्टर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, वाईफाई पे क्लिक करता हूँ, डिटेल पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, ये मेरा है 0.1, या मल्टीपल मैंने IPs दी हुई है, तो 0.1 है मेरा। तो मैं इस पे डोमेन दे दूंगा 192.168
8.0.1 और ओके कर दूंगा। ये बता रहा है कि अवेलेबल नेटवर्क ये है, तो मैं इस नेटवर्क पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। तो ये हमारे नेटवर्क के ऊपर इंस्टॉल हो गया है। तो इसके जरिए हम सेम नेटवर्क के ऊपर रह के विदाउट किसी मुश्किल के, यानी कि व्हाट्सएप या कुछ भी ओपन करने के बगैर, हम इजीली डाटा को शेयर कर सकते हैं सेम नेटवर्क के ऊपर। ये देखें, ये हमारे पास आ गया है। जब हम नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, जिसमें यह है, तो इधर उसकी डिटेल आ जाएगी, इधर उस बंदे को जिसको हमने करना है, इधर से सिलेक्ट करेंगे, इधर हम एनीथिंग टाइप करेंगे, इधर से अटैचमेंट, अगर कोई फाइल या कोई चीज भेजनी है, ओपन करेंगे, ये देखें अटैच होगी, और वन क्लिक पे उसको हम सेंड कर देंगे। ये सिनेरियो होगा। ये क्या, ये ओ फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं सेम नेटवर्क पे फाइल शेयर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।